हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। चंद्रयान 2 एक सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था मून के लिए, और हम जानेंगे बाकी कंट्रीज के मिशन कैसे सक्सेसफुल रहे, कहां पर वो फेल रहे, कैसे कैसे उनकी क्या जर्नी रही। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 का जो लैंडर विक्रम था वो कॉन्टेक्ट खो दिया अपना जो इसरो का जो क्वार्टर था, हेडक्वार्टर था, वहां से जस्ट 2.1 किलोमीटर बिफोर द टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस। मतलब जो चंद्रमा की जो सरफेस है उसको छूने, उसकी सरफेस पे पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले उसने अपना कॉन्टेक्ट खो दिया। तो ये एक प्रकार से दिखाया, तो ये थोड़ी शॉक्ड है हमारे साइंटिस्ट। और इस पर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है कि इंडिया इज प्राउड ऑफ अवर साइंटिस्ट, दे हैव गिवन देयर बेस्ट एंड हैव ऑलवेज मेड इंडिया प्राउड। These are the moments to be courageous and courageous we will be. Chairman ISRO gave updates on Chandrayaan 2. We remain hopeful and will continue working hard on our space program. थोड़ा सा emotional moment थे। आप देख सकते हैं, ये हमारे सिवन साहब हैं जो ISRO के scientist हैं, और आप मोदी जी को जानते ही हैं। ये हमारा Chandrayaan 2 mission है। अब बात करेंगे कैसे बाकी countries के mission रहे, कैसे वो fail हुए, कैसे हुए succeed। देखिए, Luna जो सबसे पहला मिशन था ये लॉन्च किया था रशिया के द्वारा। इनने कई बार फेलियर देखे, लगातार फेलियर देखे, पार्शियल सक्सेस हुआ, फिर फेलियर देखा, फिर सक्सेसफुल हुआ, फिर सक्सेसफुल हुआ, और फेलियर फेलियर सक्सेस होने के बाद ही फेलियर देखा। तो फेलियर सक्सेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। कई सारे फेलियर्स हमें देखने के लिए मिले, फिर पार्शियल सक्सेस देखने के लिए मिला, देन आफ्टर वी गॉट सक्सेसफुल। तो लूना मिशन जो कि सबसे बड़ा मिशन था, सबसे पहला मिशन था चंद्रयान मतलब चंद्रमा के लिए, तो उस मिशन ने काफी ज्यादा फेलियर देखे। तो इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, यदि आप देखें इंडिया के लिए काफी अच्छी बात यह है कि ओनली 5% ऑफ मिशन हैज बीन लॉस्ट। केवल 5% मिशन ही लॉस्ट हुआ है, जो कि विक्रम लैंडर के रूप में, मतलब प्रज्ञान जो कि एक रोवर था। बाकी 95% चूंकि लैंडिंग नहीं हो पाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ 5% ही लॉस हुआ, लेकिन 95% जो मिशन का टारगेट था वो चलता ही रहेगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अपने ऑर्बिट में वो सक्सेसफुल है, वो मून की ऑर्बिट करेगा। द ऑर्बिट कैन टेक सेवरल पिक्चर्स, बहुत सारे पिक्चर्स लेगा मून की, और वो इसरो को भेजेगा अगले साल। तो ऑर्बिटर कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द लैंडर टू फाइंड आउट इट्स स्टेटस टू। जो लैंडर की जो स्टेटस है वो भी अगले साल हमें मिलेगी। द रोवर इन साइड द लैंडर हैड लाइफ स्पान ऑफ ओनली 14 डेज। रोवर जो हमने भेजा था वहां पे, वो सिर्फ उसका लाइफ स्पान था सिर्फ 14 डेज का। ठीक है, अब बात करें तो चंद्रयान मिशन के बारे में बात करें तो काफी सस्ता मिशन था। हमारे साइंटिस्ट ने काफी कम कीमत में काफी अच्छा मिशन बना दिया। $140 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन यदि हम यूएस के मिशन की बात करें तो अपोलो मिशन, जो कि यूएस का एक मिशन था जो कि चंद्रमा के लिए था, बट ऑब्वियस बात है, लेकिन उसने $100 बिलियन खर्च किए थे। काफी बड़ा अमाउंट है, कई गुना ज्यादा खर्च किया था उन्होंने। तो इस प्रकार से दिखाया तो हमारा मिशन काफी किफायती मिशन था। यदि बात करें चंद्रयान 2 मिशन के बारे में, तो पहला फर्स्ट एक्सपेडिशन बाय इसरो टू अटेम्प्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। ये हमारा पहला अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। डेफिनेटली पहले एफर्ट में किसी को सक्सेस इतना आसानी से नहीं मिलती, बट ऑब्वियस बात है, लेकिन फिर भी हम काफी क्लोज थे। हमारी होमग्रोन टेक्नोलॉजी है, कंप्लीटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया है, और ये इंडिया का थर्ड मिशन था किसी सेलेस्टियल बॉडी, मतलब किसी भी आकाशीय पिंड पर पहुंचने के लिए। पहला मिशन था चंद्रयान 1 जो कि 2008 में लॉन्च किया था हमने चंद्रमा के लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको मॉम बोलते हैं, ये मंगल ग्रह के लिए था, 2013 में हमने लॉन्च किया था। ठीक है, अब बात करें मून लैंडिंग मिशन की। देखिए, मून लैंडिंग इज द अराइवल ऑफ स्पेस क्राफ्ट। मून लैंडिंग हम किसको बोलते हैं? मून लैंडिंग इज द अराइवल ऑफ स्पेस क्राफ्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। कोई भी स्पेस क्राफ्ट, मून लैंडिंग में दोनों ही चीज इन्वॉल्व होती हैं, मैंड एंड रोबोटिक मिशन। यदि कोई इंसान को हम भेजते हैं, जैसे अपोलो मैंड मिशन था, और रोबोटिक मिशन मतलब जो हमने रोबोट अभी भेजा था। द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू टच द मून वॉज द सोवियत यूनियंस लूना 2। याद रखेगा, काफी महत्वपूर्ण मिशन है ये। पहला मिशन था और ये लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 1959 में। ये है कुछ लॉन्चेस जिसको दिखाया जा रहा है, ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए थे। लूना 9 पहला लॉन्च था, लूना 13 ये 1966 में लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद लूना 13 1966 में लॉन्च हुआ, लूना 16 लॉन्च हुआ, और ये लूना सीरीज है जो कि रशियन सीरीज है। लूना प्रोग्राम पूरा यूएसएसआर का प्रोग्राम था। ठीक है,
उस समय यूएसएसआर था। एक उसके बाद हुआ सर्वेयर प्रोग्राम, सर्वेयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया था यूएस ने, यूएस का सर्वेयर प्रोग्राम है, और अपोलो प्रोग्राम भी यूएस का ही है, आप देख सकते हैं दोनों ही प्रोग्राम। ये सर्वेयर प्रोग्राम 1966 में इन्होंने भी लॉन्च करने की कोशिश किया, फिर 1967 में लॉन्च हुआ, फिर 1967 में लॉन्च हुआ, ये सारी टाइमिंग दिया है, 1969 दिया है, 1971, और चाइना ने भी लॉन्च किया, चाइना के प्रोग्राम का नाम था चेंग चेंग, ठीक है, और चाइना ने पहला लॉन्च किया, ये सॉफ्ट लैंडिंग थी, 2013 में इन्होंने पहले लॉन्च किया, और उसके बाद में 2019 में अभी हाल ही में लॉन्च किया इन्होंने 3 जनवरी 2019 में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम थे चाइना के। अब बात करेंगे हम, तो याद रखिएगा लूना प्रोग्राम यूएसएसआर का था, मतलब रशिया का था, चैंग प्रोग्राम चाइना का है, सर्वेयर प्रोग्राम और अपोलो प्रोग्राम दोनों ही यूएस के हैं। ये कुछ पहला जो लूना प्रोग्राम का जो ये लैंडर था, ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब बात करेंगे इसरो के बारे में। देखिए मून इंपैक्ट प्रोब, ये पहला हमने लॉन्च किया था 14 नवंबर 2008 को, जो चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। इसने कुछ नहीं किया था, ये मून पे गया था और क्रैश कर गया था, ठीक है। तो क्रैश करने से जो रिमोट सेंसिंग एक्सपेरिमेंट थे वो हमने किए वहां पे, वी गॉट लिटिल अवेयरनेस अबाउट दैट चाइनीज, और फिर उसके बाद आपको पता है फिर हमने चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया फाइनली, हालांकि वो कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डेफिनेटली हमारा लैंडर जो रोवर था वो कंप्लीटली वहां पे लैंड नहीं कर पाया, लेकिन बाकी जो चंद्रयान का जो हमारा ऑर्बिट है वो चलता रहेगा। वी विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून। चाइनीज प्रोग्राम की बात करें तो चाइना का जो पहला लूनर ऑर्बिट था वो था चेंगेज 1, इन्होंने कंट्रोल्ड क्रैश किया था वहां पे, उन्होंने क्रैश किया था जैसे कि हमने चंद्रयान 1 में किया था, ये इन्होंने किया था 1 मार्च 2009 को, और फिर चेंगेज सॉफ्ट लैंडेड ऑन 14 दिसंबर 2013, इन्होंने फिर उसके बाद चेंगेज को सॉफ्ट लैंडिंग कराया था चेंगेज 3 को 2013 में, उसके बाद चेंगेज 4 भी 2019 में उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कराया उसमें, ठीक है। 2019 में यदि देखा जाए तो थोड़ी क्रोनोलॉजी की बात करें तो इजराइल ने भी, इजराइल की जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस आईएल है, उसने भी लॉन्च किया था बेयर सीट कैप कैनेवल से, कैनेवरल से, लेकिन उन्होंने फाइनली इनका जो सक्सेसफुल नहीं रहा, इनका फेल्ड हो गया, इनका क्रैश कर गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं कि चेंगेज 1 हमने एक्चुअली चाइना से पहले ही हमने प्रोब लॉन्च किया था, हमने जो चंद्रयान 1 है हमने चाइना से पहले लॉन्च कर दिया था, तो इस हिसाब से देखा है तो हम चाइना से देखा है तो उस हिसाब से पहले आगे थे। अभी सॉफ्ट लैंडिंग हमारी नहीं हो पाई बट स्टिल वी गॉट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सक्सेसफुल लॉन्च था वो था अपोलो 11, ये पहला मैन्ड मिशन था जो कि मून में लॉन्च लैंड किया इन्होंने। तो याद रखिएगा जो यूएस का पहला मैन्ड मिशन था मून के लिए वो था अपोलो 11। देयर वर 6 मैंड यूएस लैंडिंग्स बिटवीन 1969 टू 1972, इसके बाद उन्होंने 6 मैंड मतलब इंसान भेजे अपने 1969 से लेकर 1972 तक, ठीक है। बहुत सारे अनमैंड लैंडिंग भी किया इन्होंने लेकिन कोई भी सॉफ्ट लैंडिंग उसके बाद 22 अगस्त 1976 से लेके 14 दिसंबर 2013 तक नहीं हुई पूरे वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यदि बात की जाए 38 सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट्स किए गए अब तक में, केवल उसमें आधे ही सक्सीड किए, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल में एक पिक्चर दिखाया था कौन कौन से अटेम्प्ट्स हमारे सक्सेस, कौन कौन से अटेम्प्ट्स वर्ल्ड में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो 3 कंट्रीज हैं उन्होंने सक्सीड किया। इसराइल ने भी अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने फेल कर लिया मतलब कर गए लास्ट मोमेंट में। चंद्रयान 2 हमारा भी सक्सेसफुल हम करने की कोशिश कर रहे थे तो हम 4th नेशन बन जाते लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लैंड नहीं हो पाया, बट इट्स ओके, स्टिल वी विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए यदि 21st सेंचुरी की बात करें तो बहुत सारे अनमैंड क्रैश लैंडिंग हुई है, जैसे कि हिटन जापान ने ट्राई किया, जापान को पता है काफी बड़ी कंट्री, काफी मतलब पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमी में भी देखा है तो टेक्नोलॉजी में भी। यूएस ने भी लूनर प्रोस्पेक्टर में इन्होंने भी लॉन्च करने की कोशिश की बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हुए, क्रैश कर गए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ट्राई किया, ये भी क्रैश कर गए। इंडिया ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया और इन चंद्रयान 1 तो हालांकि क्रैश करने के लिए ही बनाया गया था, वहां पे हमने क्रैश किया था, उसके बाद रिमोट सेंसिंग के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। चाइना ने भी चंगेज 1 को लॉन्च किया था, वो भी क्रैश कर गए। सेलेन जापान ने भी लॉन्च किया था, फिर यूएस ने फिर लॉन्च किया यलसी और रॉस के नाम से, ग्रैल
यूएस ने लॉन्च किया, लैडी यूएस ने लॉन्च किया, बेयर शीट इसराइल ने लॉन्च किया, वो भी क्रैश कर गए। 21st सेंचुरी की बात करें, अनमैन सॉफ्ट लैंडिंग में बात करें, तो चेंगेज 3 और चेंगेज 4 चाइना के सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लैंडिंग रही है जो मून में हुई। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मून मिशन तो आपको बताया मैंने, चंद्रयान 1 था, जो कि 2008 में लॉन्च हुआ, काफी इंस्ट्रूमेंटल रहा, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी वहां पर की। ठीक है, लूनर सरफेस पे। करंट मिशन जो हमारा चंद्रयान 2 था, यदि सक्सेसफुल आता तो हमें प्रेजेंस ऑफ वाटर और मून की जो टोपोग्राफी के मैप के बारे में पता चलता। वैसे भी हमारा चंद्रयान 2 वैसे उस पे ऑर्बिट कर रहा है, तो वी विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप तो मून की जो टोपोग्राफी है उसका मैप तो हमें ऑलरेडी मिल ही जाएगा। ठीक है, यदि बात की जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि चंद्रयान 2 काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, $141 मिलियन सिर्फ इसने खर्च किए। यदि अपोलो की बात करें तो उसने बहुत ज्यादा खर्च किया, उसने ऑलमोस्ट $100 बिलियन खर्च किए हैं, तो उस हिसाब से देखा है तो हमने बहुत कम, मतलब कई गुना कम खर्च किए, कई 100 गुने खर्च कम किए हैं। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज बिगन प्रिपरेशन टू सेंड ए मैन मिशन टू स्पेस बाई 2022। तो आपको पता है हमारा जो मैन मिशन है 2022 में, इसको भी हम लॉन्च करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं, एंड वी होप दैट वी विल गेट सक्सेस ऑन दैट। तो ये है इस वीडियो के लिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट करके बताएं, एंड आई वॉन्ट टू से दैट हमें होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 2 हमारा स्टिल 95% हमारा सक्सीड कर रहा है, सिर्फ 5% जो लैंडिंग है वो सक्सीड नहीं की है, बट स्टिल इज फाइन, वी विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें यदि आपको पसंद आया, दोस्तों के बीच आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।